तीन है, उनमें से भी बताया जा रहा है एक लड़के के आतंकवादी संगठन से लिंक बताए जा रहे हैं। उसका जो जो उसका बैकग्राउंड है जो जांच करने लग रहे हैं, ये हम कहते हैं कि जांच सही तरीके से होनी चाहिए। आप जानते हैं आप बाकी तीनों, लेकिन हम नीलम आजाद की बैकग्राउंड को जानते हैं और उसका जो राकेश टिकैत का जो बयान है कि भाई हम किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करते हैं और किसी प्रकार का कोई धरना नहीं देंगे इनकी गिरफ्तारी को लेकर के, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया भाई किसानों का किसान संगठन का कोई लेन देन नहीं है उनसे। देखो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लगातार संसद सुरक्षा को लेकर के सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा भी, और आप सबको पता भाई चार दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 दिन का जो रिमांड है उसके लिए उनको भेज दिया गया है भाई। उसी को लेकर के हरियाणा का जो जींद जिला है, और जींद जिला जो है भाई यहाँ की जो नीलम जो आज़ाद है उसको लेकर के लगातार यहाँ की जो खा पंचायतें हैं या फिर किसान नेता है उनके जो बयान है सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर लगातार वायरल होने लग रहे हैं अभी नीलम आज़ाद को लेकर के, नीलम आज़ाद की रिहाई को लेकर के। कल भी जो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आज़ाद पालुआ के जो बयान थे वो लगातार वायरल होने लग रहे थे। आज फिर हम बातचीत करेंगे क्योंकि भाई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी और जो राकेश टिकैत उनकी तरफ से भी एक जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लग रही है कि भी उनका कहना है भी संयुक्त किसान मोर्चे का इस प्रकार से जो भी संसद के ऊपर जिन्होंने हमला किया, स्मोक जो हमला किया है उनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार का समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा नहीं करता है। कल भी खा पंचायतों ने समर्थन किया था एक दो ने नीलम आज़ाद की रिहाई को लेकर के। आज जो सुनने में आने लग रहा है भाई कंडेला खाप ने जो आज़ाद जी ने बताया, आज़ाद जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी आपको और आपके दर्शकों को। राम राम। आप कह रहे हैं भाई कंडेला खाप ने भी उनकी रिहाई को लेकर के आज मांग पत्र सौंपा है। बिल्कुल, आज डीसी साहब को जी जींद के अंदर मांग पत्र सौंपने का काम किया है जी, और हमने भी कल यहाँ खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की और सामाजिक संगठनों की महापंचायत बुला के, तो जो बेटी नीलम आजाद ने आवाज उठाई है बेरोजगारी के पक्ष में, जो देश के अंदर तानाशाही चल रही है उसके पक्ष में, और किसान मजदूर की समस्याओं को लेकर के सरकार इनकी मांगों को पूरा करने का काम करे, उसका हमने समर्थन भी किया है। एक मिनट रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि आपने समर्थन किया, कमेंट कल वाले जो वीडियो थी उसके नीचे भी कमेंट आने लग रहे थे काफी दर्शकों के, वो कह रहे भाई आतंकवादियों का कैसा समर्थन, भाई आतंकवादियों का समर्थन क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, वो कोई आतंकवादी नहीं है जी, उसमें पढ़े थे आपने ऐसे आई थी। देखो कमेंट तो कोई किसी से जुड़ा होता है, कोई किसी से जुड़ा होता है, लेकिन हमने बैकग्राउंड का पता किया है। नीलम का परिवार बिल्कुल साफ सुथरा परिवार है, बीसी समाज से वो संबंध रखती है, कुमारों की लड़की है, हमारे इलाके की लड़की है, हमारे धरने को भी समर्थन उसने बार बार किया है जी जी। पीछे आंदोलन चला किसान आंदोलन, जब हमने खटखट टोल पर नेतृत्व किया था, जब भी वो खटखट टोल पर भी अपना समर्थन दे के गई है कई बार, जब भी समय मिलता था जब आती थी, और जो खिलाड़ी बेटियों का धरना दिल्ली के अंदर चल रहा था उसमें भी उसने अपना कई बार समर्थन दिया है, दिल्ली भी गई है वो बेटियों के साथ, उसने गिरफ्तारी भी दी थी, तो इसलिए उसकी बैकग्राउंड वो पढ़ी लिखी है, अम्बेडकरवादी विचारों की लड़की है, खुले विचारों की लड़की है, लेकिन वो बेरोजगारी से तरस है, उसने बीए है, एमए है, एमफिल है और नेट क्वालिफाई है, पढ़ी लिखी है और आज तक 37 साल की उम्र होगी उसने की, लेकिन रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी से तरस है, बेरोजगारी से तरसता है कहना है। उन्होंने ये कदम उठाने का काम किया, उनकी मंशा कोई गलत नहीं थी आजाद जी, उनकी मंशा सरकार को जगाने की थी। आजाद जी सभी का ये कहना भाई इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस प्रकार से लोकतंत्र जो देश है अपना, लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर भाई संसद को अपना मंदिर मानते हैं पूरा देश, उसके अंदर इस प्रकार का हमला अच्छा नहीं है। देखो संसद को सभी मंदिर मानते हैं और संसद हमारे लिए पूजनीय है जी, हम ये जरूर मानते हैं कि जो उनका तरीका था वो गलत था, लेकिन जो आवाज उठाई है हमने उसका समर्थन किया है, और तरीका जो भी उन्होंने अपनाया उनकी अपनी सूझबूझ है, उनका अपना विचार था, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से यहाँ 1 साल से बैठे हैं धरने पे, हमारी हरियाणा सरकार नहीं बात सुन रही, तो आखिर आदमी करे क्या, जब सर से ऊपर पानी जा लिया। खुद देश का प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दे दूंगा, लेकिन वो
अग्निवीर योजना ले आया, उस अग्निवीर से जो अग्निवीर में सुसाइड करके युवा मरे, आपने याद होगा भिवानी के अंदर एक लड़का सुसाइड करया जो फौज की तैयारी करता था, सुबह 4 बजे उठता था। जिस दिन अग्निवीर ये योजना देश का ये केंद्र सरकार ले आई, वो ताश निराश हो कहने उसने सुसाइड करना पड़ा। तो क्या ये सुसाइड करना तरीका अच्छा है क्या? ये सरकार को जगाने के लिए इन्होंने क्या है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, इन्होंने भारत माता के नारे भी लगाए हैं। हाँ, ये तरीका गलत था ये मानते हैं हमें, लेकिन हताश निराश युवा करे तो करे क्या? बिल्कुल, राकेश टिकैत का कहना है कि संसद में जिस प्रकार से सेंध लगा करके 4 जो दोषी हैं उनका हम समर्थन नहीं करते, सेंध लगाने की बात राकेश टिकैत के द्वारा कही जा रही है। देखो, राकेश टिकैत जी भी हमारे लिए आदरणीय है जी, लेकिन उन्होंने सेंध लगाने की जो बात कही है हम उसको बिल्कुल गलत मानते हैं। उन्होंने सेंध नहीं लगाई, एक एमपी ने पास जारी किया, एक एमपी के पास पे वो अंदर घुसे है, अंदर सुरक्षा में खामियां रही है, ये तो प्रश्न जांच का बनता है। क्या यही मैं बात पूछूं, क्या सांसदों ने अंदर उनको उसकी पिटाई करी, वो ठीक था तरीका? वो भी गलत तरीका था। सांसदों ने अगर वो अंदर घुस गए थे, सांसदों ने पकड़ के ना पुलिस के हवाले करने चाहिए थे, पीट एक सांसद का तो मैंने यहाँ तक सुना कि हमने उन पर हाथ साफ करे, लेकिन हमने हमारे पकड़ने के बाद वो रोने लग गए और रोने लग गया, हमने पूछा, वो उन्होंने बताया हमने तो प्रोटेस्ट करा, फिर उनको पीटा क्यों गया? पुलिस के हवाले करना चाहिए था। जब माननीय देश के सांसद इस प्रकार का करते करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? इसलिए सूझबूझ होनी चाहिए थी, पीटने की क्या जरूरत थी उनका? उनसे गलती होगी थी बच्चों से, लेकिन उन्होंने, और ये सरकार ने जो उन पर UAPA का एक्ट लगा दिया, क्या ये सही लगाया है? जब बेरोजगार बच्चे हैं, अब तस्वीर क्लियर होगी, किसी वो संगठन से आतंकवादी, संगठन आतंकवादी नहीं है वो। नीलम आजाद के बैकग्राउंड को तो आप जानते हैं, बाकी के जो 3 हैं उनमें से भी बताया जा रहा है एक लड़के के आतंकवादी संगठन से लिंक बताए जा रहे हैं, उसका उसका बैकग्राउंड है जो जांच करने लग रहे हैं। ये हम कहते हैं कि जांच सही तरीके से होनी चाहिए, आप जानते हैं, बाकी तीनों को, लेकिन हम नीलम आजाद की बैकग्राउंड को जानते हैं और हमने जो पंचायत करी है वो जानते हैं आप, क्या पता नीलम को बहकाया गया, वो नीलम आजाद को लेकर करी है और नीलम आजाद का तो उसमें रोल भी कोई नहीं। बाकी 3 को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन जो नीलम आजाद की बात है वो हमारे इलाके की बेटी है। और 3 को लेकर के आपकी राय क्या? बाकी 3 हमने तरीका गलत मानते, हम भी गलत मानते तरीके को, भाई तरीका तो गलत था, इस तरीके को नहीं अपनाना चाहिए था, लेकिन अगर उनसे गलती होगी क्या फिर सारा देश गलती करेगा? हम ये कहते हैं हमारे माननीय सांसदों ने भी गलती नहीं करनी चाहिए, गलती हो गई, गलती का मतलब माफी थोड़ा ना होता है कि भी उनको माफ कर दे, आज उन्होंने किए कल कोई और करेगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो उनको पीटा गया है माननीय सांसदों द्वारा, क्या सांसदों की गलती नहीं थी? उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए था। हम ये बात कह रहे हैं तरीका हमने भी गलत माना है, लेकिन जो नीलम आजाद ने जो आवाज उठाई, हमने वीडियो नीलम आजाद की सुनी है और वीडियो वायरल भी नीलम आजाद की हुई है, वो बिल्कुल बोल रही है कि युवाओं को रोजगार का प्रबंध करे सरकार, किसान मजदूर की समस्याओं को सुनने का काम करे, और जो तानाशाही चल रही है इस पर अंकुश लगाने का काम करे। उसने भारत माता के विजय नारे लगाए हैं, आपके संगठन की तरफ से जो बयान, जिंदाबाद के भी नारे लगाए हैं, आपके संगठन की तरफ से जो बयान जो लगातार वायरल होने लग रहे हैं, वो आप नीलम आजाद का समर्थन करते ना कि बाकी 3 का? देखो, बाकी 3 को तो हम जानते नहीं ना, उनकी बैकग्राउंड जानते, हमने बैकग्राउंड नीलम की जानते है। नीलम हमारे यहाँ धरने पर उसने बार बार समर्थन दिया है, उसकी सोच को जानते हैं, उसके पहले विचार भी रखे हैं उसने, एक बार नहीं 100 बार कोई विचार रखे है उसके, हमने पहले वो सामाजिक 37 साल की उम्र, यहाँ वो स्कूल बच्चों को पढ़ाती भी थी, वो समाज की जो समाज में अग्रणी रहती थी, वो सामाजिक कार्यों में भी योगदान देती थी। जो राकेश टिकैत का जो बयान है कि भाई हम किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करते हैं और किसी प्रकार का कोई धरना नहीं देंगे, इनकी गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने साफ क्लियर कर दिया, भाई किसानों का, किसान संगठन का कोई लेन देन नहीं है उनसे। देखो, राकेश टिकैत की अपनी सोच हो सकती है जी, राकेश टिकैत जी ने क्या कहा वो तो जवाब वही देंगे, लेकिन हमने जो यहाँ फैसला लिया है, एक ये भी सुना था राकेश टिकैत जी ने कहा कि उनका अकेले का कोई फैसला होगा, हमारा, हम ये बताना चाहते हैं हमारे अकेले का नहीं, हमारे यहाँ जींद जिले के जो सामाजिक संगठन है, जो यहाँ की खाप पंचायतें हैं, जो यहाँ के किसान संगठन है, उन्होंने सभी ने फैसला लेकर ने इस पंचायत को रखा था, और जो हमने
तीन प्रस्ताव पास किए हैं वो सभी का फैसला है। और हमने कहा था कि हम राकेश टिकैत जी से भी बातचीत करेंगे और जो हमारा हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा है, हरियाणा SKM है, उससे भी बातचीत करेंगे और पूरे देश का जो SKM है हरियाणा के SKM के माध्यम से उससे भी बातचीत करने का, जो सच्चाई है उसको बताने का काम करेंगे। और जो हमारी बेटी पे ये UPA जो एक्ट लगाया गया है, हमारी मांग है कि इसको सरकार जल्दी से जल्दी खारिज करने का काम करे। चलो चलो भाई, फिलहाल भाई हमारे साथ आजाद पालुआ जो किसान नेता हैं उचाणा से, इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी, इनसे हमने जो बातचीत की है संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के, संसद के अंदर जो स्मोक जो हमला उसको लेकर के 4 दोषियों को गिरफ्तार जो कर रखा है और 7 दिन का जो रिमांड है उस रिमांड के ऊपर वो फिलहाल चले हुए हैं। तो साथियों कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।